पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में भी केसेस आ रहे हैं। तो जहाँ तक हमारे पुलवामा का सवाल है, हमने इस सिलसिले में बहुत सारे इकदाम जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हुए हैं और एक आरटीपीसीआर लैब भी यहाँ शुरू हो चुकी है, इसका इफ्तिताह एसीएस साहब ने किया हुआ है और हम रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ टेस्ट्स कर रहे हैं इस वक्त। और इससे आम लोगों को लिए, खासकर कोविड मरीजों के लिए जो सिम्टोमेटिक आ रहे हैं, काफ़ी फ़ायदा मिल हो जाएगा, क्योंकि अब सुबह से शाम तक उनका रिजल्ट भी आ सकता है। ये जो आरटीपीसीआर की लैब यहाँ पे जो खुली है, आपको मैं पहले ही बताता हूँ कि ये जो इस टाइम तीसरी लहर आ रही है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा जम्मू एंड कश्मीर इसमें इस तशवीशनाक है। ये जो आरटीपीसीआर लैब पुलवामा में खोली गई, हमें इससे पहले श्रीनगर जाना पड़ता था, वहाँ पे आरटीपीसीआर लैब थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होता था कि यहाँ से जाना पड़ता है। कोई गरीब होता था, उसको बेचारे किराया नहीं उतना होता था कि उसको श्रीनगर जाना पड़ता था, वहाँ पर टेस्ट करवाना होता था और उसके बाद दो दिन के बाद रिपोर्ट आता था, फिर से जाना पड़ता था वहाँ पर रिपोर्ट लाने के लिए। इसलिए कि ये पुलवामा में जो लैब खोली गई थी, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हम खासकर ये गवर्नमेंट से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे बड़ा कदम उठाया।